अपने होम स्टूडियो के लिए जब हम माइक्रोफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसकी ऑडियो क्वालिटी के साथ साथ कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए तो इस वीडियो में इससे पहले कि मैं आपको मेरा सॉन्ग सुनाऊँ जिसके वोकल्स मैं ल्यूट एल सी टी प्योर पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं ऐसे पांच पॉइंट्स जो इन माय ओपिनियन एल सी टी फोर फोर्टी प्योर को एक आइडियल मिड बजट कंडेंसर माइक बनाते हैं स्पेशली फॉर होम स्टूडियो पर्पस सो लेट्स बिगिन बाय द वे इस वीडियो में जो भी आप ऑडियो सुनोगे इट इज़ कमिंग थ्रू द एल सी डी फोर फोर्टी प्योर गोइंग इन टू माई स्कॉलिट एट आई सिक्स ऑडियो इंटरफेस तो सबसे पहला पॉइंट तो है इस माइक्रोफोन का सेल्फ नॉइज जैसा आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा कि कंडेंसर माइक्स को पावर सप्लाई की जरूरत होती है सो दैट दे कैन कैप्चर आर ऑडियो और जो कंडेंसर माइक के इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं उसकी वजह से हर एक कंडेंसर माइक का अपना एक सेल्फ नॉइज होता है विच मीन्स इवन इफ यू हैव अ वेरी क्वाइट रूम और आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो सिर्फ माइक्रोफोन को प्लग इन करके फैंटम पार ऑन करके आप रिकॉर्ड का बटन दबाओगे तो यू विल बी एबल टू हियर सम नॉइज दैट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द माइक्रोफोन्स इंटरनल कॉम्पोनेट और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि अपने होम स्टूडियो में नॉइज इंट्रोड्यूस होने के कितने सारे अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं एटलीस्ट माइक्रोफोन हमारे कंट्रोल में है और एलसीडी फोर फोर्टी प्योर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द क्वाइटेस्ट माइक्रोफोन आउट इन द मार्केट जो लोग टेक्निकल डिटेल्स में इंटरेस्टेड हैं द सेल्फ नॉइज ऑफ द माइक्रोफोन इज अराउंड सेवन डी बी ए दूसरा पॉइंट यह है कि यहां पे आपको गेन को ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत नहीं है टू गेट टू ऑप्टिम रिकॉर्डिंग लेवल्स सिर्फ डायनेमिक माइक से नहीं कुछ कंडेंसर माइक्स भी ऐसे होते हैं जहां पे हमारे ऑडियो इंटरफेस पे हमें गेन काफी ज्यादा बूस्ट करना पड़ता है टू गेट द बेस्ट रिकॉर्डिंग क्वालिटी और ज्यादातर होम स्टूडियोज में हम बजट ऑडियो इंटरफेस यूज कर रहे होते हैं तो उनके प्रियम्स में बियॉन्ड पॉइंट अगर हम गेंद को पुश करें तो वो और ज्यादा नॉइज इंट्रोड्यूस कर सकता है विच कैन कॉज अ लॉड ऑफ ट्रबल इन पोस्ट प्रोडक्शन लेकिन इस माइक्रोफोन के साथ ऐसा नहीं है अभी मैंने अपने ऑडियो इंटरफेस पर जो गेंद है वो ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट पर रखा हुआ है उससे भी थोड़ा अगर कम रखें वी कैन गेट टू ऑप्टिमम रिकॉर्डिंग लेवल्स वी कैन गेट अ लाउड एंड क्लियर ऑडियो सिग्नल तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लेट मी शो यू द ग्राफ ज्यादातर माइक्रोफोन्स में सिर्फ इस बजट के ही नहीं जो हायर बजट में आते हैं उनमें भी इट इज़ एक्सपेक्टेड कि कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी में हल्का सा बूस्ट तो होगा ही द थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ इज़ के एटलीस्ट लो फ्रीक्वेंसीज में और मिड फ्रीक्वेंसीज में कहीं पे बूस्ट नहीं है स्पेशली फॉर बिगिनर्स क्योंकि शुरू शुरू में किसी भी बिगिनर से एक्सपेक्ट कर पाना कि वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर पाए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है मेरे वोकल रिकॉर्डिंग में और उसको परफेक्टली अपने मिक्स में फिट कर पाए सो इट्स इंपॉर्टेंट टू चूज अ माइक जिसमें लोअर्स में और मिड्स में एटलीस्ट जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉस है वो फ्लैट है बूस्ट जैसा कि मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ़ द माइक्स विल हैव इट इस माइक्रोफोन में अच्छी बात यह है कि जो मैक्सिमम जो पीक आप देख रहे हो वो टेन के के ऊपर है मेजोरिटी ऑफ द एनर्जी स्पेशली इन केस ऑफ वोकल्स जिस रीजन में डिसाइड करती है वहां पे कोई बूस्ट नहीं है एंड इवन दिस पीक अराउंड फोर टू फाइव के इन माई एक्सपीरियंस आई डिड नॉट फाइंड इट टू बी ट्रबल सम और टेन के के ऊपर जो बूस्ट है दैट गिवस दिस माइक्रोफोन अ वेरी ब्राइट अ वेरी शाइनी एंड एरी काइंड ऑफ अ क्वालिटी बट इन अ प्रेजेंट वे इट डज नॉट साउंड हार्श चौथा पॉइंट है इसका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से कि ये एक कंप्लीट पैकेज है ये माइक्रोफोन आता है इस शॉक माउंट के साथ और एक मैग्नेटिक पॉप फिल्टर के साथ जो अभी इस पे लगा हुआ है लेकिन उस एंगल से आप देख भी नहीं पाओगे उतना कॉम्पैक्ट है विच इज़ अ रियली गुड थिंग इन माय ओपिनियन स्पेशली अगर आप इस माइक्रोफोन को वीडियोज़ में शूट करते वक्त यूज़ करने वाले हो इट विल नॉट ब्लॉक योर फेस एंड द इंटायर थिंग पुट टुगेदर लुक्स रियली नाइस ऑन कैमरा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैनुफैक्चरर्स जो हैं स्पेशली जो इस बजट कैटेगरी में माइक्रोफोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरी की पूरी किट देना शुरू करें बिकॉज मोस्ट ऑफ अर्स आर नाट गोइंग टू यूज़ मल्टीपल माइक्रोफोन्स एट होम तो जो भी माइक यूज़ कर रहे हैं मोस्ट ऑफ अर्स विल प्रीफर कि हम उसके लिए ही कस्टम मेड जो बना हुआ शॉक माउंड है उसके लिए ही जो कस्टम मेड बना हुआ पॉप फिल्टर है हम वो यूज़ करें आई कैन डू दिस ऑल डे आई एम सॉरी अगर थोड़ा बहुत नॉइज आए तो मैं पॉप फिल्टर इसका निकालने जा रहा हूँ ये देखिए यू निकल गया इट इज सो सिंपल टू अटैच दिस पॉप फिल्टर अगर आप यूज टू हैं वो जो कन्वेंशनल पॉप फिल्टर आते हैं स्क्रू घुमा घुमा के टाइट करने वाले वंस यू गेट यूज टू दिस यू विल नॉट लाइक टू गो बैक टू दो पांचवा जो पॉइंट है वो है इसकी प्राइस गिवन हाउ गुड दिस माइक्रोफोन साउंड एंड गिवन द फैक्ट दैट ये एक कंप्लीट बंडल है आता है शॉक माउंट के साथ पॉप फिल्टर के साथ ये उन कुछ सिलेक्टेड माइक्रोफोन्स में से हैं जो कि ट्वेंटी थाउजेंड से कम कॉस्ट करते हैं बट गिव यू रियली गुड वैल्यू फॉर योर मनी और अगर आप मेरे वीडियोस और मेरे गेयर रिकमेंडेशन फॉलो करते हुए आए हो तो आपने सुना होगा मुझे पहले भी कहते हुए कि माई फेवरेट कैटेगरी इज द मिड बजट कैटेगरी इस कैटेगरी में आपको ऐसे माइक्रोफोन्स मिलते हैं जिनके बारे में वॉट शुड आई से इनको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला मीन्स एक बार आप इन्वेस्ट करो और सालों साल तक ये चलते रहेंगे यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट अपग्रेडिंग एनी टाइम लेकिन अगर आप बहुत ही टाइट बजट पे हो देन देर इज अ चीपर ऑल्टरनेटिव फ्रॉम ल्यूट इट सेल्फ इट इज टू फोर्टी प्योर हाउएवर वोकल्स के लिए आई स्टिल प्रेफर फोर फोर्टी प्योर क्योंकि कंपेयर टू द टू फोर्टी प्योर इसका डायफ्राम का साइज थोड़ा बड़ा है एंड यू ऑल्सो हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन के फोर फोर्टी प्योर के साथ आपको पॉप फिल्टर और शॉक माउंट भी साथ में मिल रहे हैं तो प्राइस डिफरेंस भी है बट आई थिंक

का फलसफा है हर कदम पे कुछ नया है कुछ दिनों के मुसाफिर हैं जितना भी मिले काफी है तू ही है जिसे तू है ढूंढता आई होप यू फाउंड दिस वीडियो टू बी हेल्पफुल शाउटआउट टू द वंडरफुल गाइज एट दी इन्वेंट्री उनकी वजह से ही ये जो वीडियो है वो पॉसिबल हुआ है एंड शाउट आउट टू ल्यू इट एज वेल फॉर मेकिंग अ रियली सॉलिड पीस ऑफ माइक्रोफोन एंड सेंडिंग दिस ओवर टू मी आई एम एब्सोल्यूटली लविंग इट इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी बी गुड डू गुड सेलेंड पिटी विल फॉलो